हालचाल चल रहे हैं आप लोगों के? लॉकडाउन में पढ़ाई वढ़ाई हो रही नहीं हो रही? तो बहुत अच्छी पढ़ाई करोगे, जम के पढ़ाई करोगे, ठीक है? तो कल हमारा चैप्टर हेलो एल्केम कंप्लीट हो गया था, आज हम एक नया चैप्टर चालू करेंगे केमिस्ट्री का, विच इज एल्कोहल फिनोल एंड ईथर, ठीक है? अब इसकी बात करने से पहले कुछ अपन इसका जनरल इंट्रोडक्शन लेते हैं, ठीक है? कि ये एल्कोहल फिनोल ईथर ये बेसिकली यूज कहाँ हो रहे हैं, क्या हमें यूटिलिटी है इसकी केमिस्ट्री के अंदर, हमने इसको इंट्रोड्यूस किया है? तो देखो, अगर सिंपल मैं अगर रिप्रेजेंटेशन करूँ ना, तो एल्कोहल का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से किया है, OH ये एल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्कोहल। अगर मैं बात करती हूँ फिनोल की, तो हमें पता है ये एरोमेटिक रिंग के साथ में होता है, इसको हम बोलते हैं फिनोल, एंड हमारा ईथर ROR, ये ईथर का रिप्रेजेंटेशन है सिंबॉलिक। इसमें RR जो है वो एल्काइल ग्रुप को प्रेजेंट करते हैं, वो मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, ठीक है, वो सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक भी हो सकता है, ये हम बाद में फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन हम इनका सबसे पहले यूजेस देखेंगे कि एल्कोहल यूज़ क्यों हो रहा है, हमें क्या नीड है एल्कोहल को यूज़ करने की। तो देखो भाई, हमारे जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें हर जगह किसी न किसी रूप में केमिकल काम आता है, ये हम अच्छे से जानते हैं, फैमिलियर इस चीज़ से। तो अगर हम इफ़ यू टॉक अबाउट एल्कोहल, तो एल्कोहल जो होता है ये बहुत सी जगह काम में आता है, जैसे आपके घर में जो पेपर आता है, पेपर आता है ना न्यूज़पेपर, उसके अंदर एज वेल एज आप कपड़े पहनते हो, कॉटन क्लोथ्स, उनकी मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ होता है। तीसरी बात, सैनिटाइज़र, बहुत ज़्यादा आप इस वर्ड से फैमिलियर हो चुके हैं एट दिस प्रेजेंट सिनेरियो, जब ये कोरोना पेंडेमिक जो फैल रहा है, इसमें बाबा कहते हैं हाथ वॉश करो, सैनिटाइजर यूज़ करो, तो सैनिटाइज़र के अंदर ये एल्कोहल होता है, तभी तो थोड़ी देर बाद हम उसको रब करते हैं तो इट विल वॉलेटाइल फ्रॉम आर हैंड्स, हमारे हाथों से वो उड़ जाता है, वॉलेटाइल होता है नेचर में इस वजह से। तो ये इस तरह से यहाँ पे यूज़ किया जाता है। और कहाँ यूज़ हो सकता है ये एल्कोहल? सॉल्वेंट के फॉर्म में, ठीक है, केमिकल सॉल्वेंट होते हैं ना, जैसे मिथेनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया, और सबसे ज़्यादा तो यूज जो होता है इसका मेडिसिंस में भी होता है, विच इज़ होम्योपैथिक मेडिसिंस, मेडिसिंस के अंदर भी अगर किसी ने घर में कोई बड़ा बूढ़ा हो देखा हो, तो जो ड्रॉप्स के फॉर्म में जो लेते हैं उसमें भी एल्कोहल होता है, और सॉल्वेंट के फॉर्म में ये यूज़ होता है, जैसे मिथेनॉल, एथेनॉल की बात की मैंने, जो आजकल ड्रिंक करने वाले जो होते हैं ना, वो जो पीते हैं, वो जिसे हम बोलते हैं कच्ची दारू, और जो भी अच्छी दारू ये, तो उनके अंदर ये एज ए सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है। ये तो बेसिक इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अगर हम बात करें फिनॉल की, तो फिनॉल जो होता है ये बहुत सारी हाउस होल्ड प्रोडक्ट एज वेल एज हाउस होल्ड में किस फॉर्म में आएगा, ये डिसइंफेक्टेंट और डिसइंफेक्टेंट से ये फ्लोर वाले भी हो गए और स्प्रे वाले भी हो गए, लाइजोल वगैरह जिसका नाम सुना होगा आपने, डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ किया जाता है। माउथ वॉश के अंदर ये होता है, लेकिन कंसंट्रेशन उसकी लो होती है, ज़्यादा कंसंट्रेशन में इसको यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, ये इसके हैं। एज वेल एज इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज़ के अंदर ये कोई इंटरमीडिएट की तरह यूज़ किया जाता है, एज अ इंटरमीडिएट, ठीक है, ये भी जनरल इंट्रोडक्शन चल रहा है हमारा। और अगर बात करते हैं हम ईथर की, तो ईथर जो होता है बहुत अच्छी सी स्मेल देने वाला एक केमिकल कंपाउंड होता है, जनरली आपने परफ्यूम डियो तो यूज़ करते ही हो, तो उसके अंदर जो होता है ये ईथर यूज़ किया जाता है, किसके अंदर? परफ्यूम्स के अंदर, डियो के अंदर, फ्रेग्रेंस, क्योंकि फ्रेग्रेंस गिविंग कंपाउंड है ना, और एज वेल एज आप इसको कहाँ और देखा होगा आपने, जो फर्नीचर वाला वर्क करते हैं ना, फर्नीचर कारपेंटर लोग इसको यूज़ करते हैं पॉलिशिंग के अंदर, थिनर के फॉर्म में। तो इस तरह से यह जनरल इंट्रोडक्शन है कि हम कैसे कैसे हम इसको अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है इनको क्लासीफाई कैसे करते हैं, हमारा तो मेन मोटिव तो वही है ये, तो चलो ठीक है, जनरलाइजर ने बात की तो हम इसका क्लासीफिकेशन पर जाएंगे, हम दोनों को क्या करेंगे साथ साथ करेंगे। एल्कोहल का कराऊंगी और इधर हो गया, ये हो गया। तो
तो अगर बात करें जनरलाइज वे में बात करें तो एल्कोहल क्या होता है, आप मेथेनॉल इथेनॉल प्रोपेनॉल इतना 11th क्लास पढ़ लिया, 12th में भी बार बार इस चीज़ों को सुन रहे हो, तो दीज आर बेसिकली एल्कोहल। एल्कोहल किस तरह का एल्कोहल, दीज आर द, मैं यहाँ लिखती हूँ, हाइड्रोक्सिल, इस वर्ड को अंडरलाइन किया है मैंने, हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्या लिखा मैंने डेफिनेशन कि एल्कोहल्स क्या होते हैं, दीज आर हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, इस वजह से इसको हम एलिफैटिक एल्कोहल भी कहते हैं, एलिफैटिक एल्कोहल इस नाम से भी इसको जाना जाता है। और वो फिनोल क्या हो जाएगा, दीज आर हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव, ये इसी वर्ड पे कंसंट्रेट करेंगे अपन, डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक ड्रिंक, ठीक है। दोनों सेम या कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसमें सिर्फ क्या है हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन ये किसके ऊपर अटैच है, हाइड्रोकार्बन के ऊपर, ठीक है। और उसके अंदर अगर हम फिनोल की बात करें तो वो जो है अटैच किसके ऊपर है, एरोमेटिक रिंग के ऊपर, ठीक है। इसका एग्जांपल मिथेनॉल इथेनॉल हम जानते हैं और उसका फिनोल का भी हम स्टडी करेंगे। तो ये तो सिंपल इसका जनरलाइज एक और इंट्रोडक्शन हो गया। अब आते हैं हम इसके क्लासिफिकेशन पे। तो क्लासिफिकेशन करने का तरीका होता है, इसमें तीन क्राइटेरिया लेंगे हम, पहले हम एल्कोहल की बात करते हैं, इसमें तीन क्राइटेरिया लेंगे फिर हम उसको फर्दर डिस्कस करेंगे। तो पहला क्राइटेरिया तो है इसका ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ मैं क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर रही हूँ ना, क्लासिफिकेशन। तो पहला इसका क्राइटेरिया है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। क्या मतलब उसका निकल गया कि स्ट्रक्चर के हिसाब से एल्कोहल किस तरह का होता है। अब एग्जांपल, पहला इसका एग्जांपल है ये एलिफैटिक चेन के अंदर है, मिथेनॉल चेन के अंदर है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये इथेनॉल हो गया। इस तरह से अगर ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के साथ में अटैच होगा तो पहला क्राइटेरिया तो यही हो जाएगा कि इनको बोलते हैं, इस तरह के एल्कोहल को बोलते हैं एलिफैटिक एल्कोहल। यहाँ पर मैंने नाम पहले इसलिए लिखा है ताकि आप इसको इससे रिलेट कर सको। तो क्योंकि ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ा है इसलिए इन हाइड्रोकार्बन को एल्कोहल को बोलेंगे एलिफैटिक एल्कोहल। और अगर हम बात करें इसकी दूसरा टाइप इसका, उसके अगर बात करते हैं तो वो होता है हमारा एरोमेटिक एल्कोहल। नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो एल्कोहल ग्रुप होगा वो एरोमेटिक रिंग के ऊपर अटैच होगा, बेंजीन के ऊपर अटैच होगा। जैसे ये एक एग्जांपल देते हैं, ये एल्कोहल ग्रुप है, ये बेंजीन की रिंग है, पूरी बेंजीन की रिंग है, इसलिए इन बेंजीन की रिंग को क्या बोलते हैं, एरोमेटिक रिंग। यहाँ पर तो एक बेसिकली अलग स्ट्रक्चर है, इसको बेंजाइल बोलते हैं, ये बेंजाइल ग्रुप है, इसके साथ में OH अटैच है तो इसको एरोमेटिक एल्कोहल कहेंगे। एलिफैटिक में तो क्या होगा, वो सीधी चेन के अंदर अटैच होगा और इसके अंदर ये रिंग के साथ में, लेकिन उसके पहले कोई हाइड्रोकार्बन होगा उसके साथ अटैच होगा, तो इस वाले को बोलते हैं, दिस टाइप ऑफ एल्कोहल इज नोन एज एरोमेटिक एल्कोहल। तो पहला हमारा क्लासिफिकेशन था किस इस पे, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम दूसरा क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, है ऑन द बेसिस, वही रहेगा ऑन द, नहीं मैं इसको छोटा कर देती हूँ, बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्या बोल रहा है ये, दूसरा तरह का क्लासिफिकेशन जो है वो हमारा क्राइटेरिया है कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है किसी भी एलिफैटिक के साथ या किसी भी एरोमेटिक के साथ, उसके बिहाफ पे हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे
एक एग्जांपल बार बार ये एग्जांपल आ रहा है, अभी दोबारा लिखा आपने, ये देखो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये एलिफेटिक है, एल्काइल ग्रुप है, हाइड्रोकार्बन है, ये डायरेक्टली इसके साथ में जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये एक ही एल्कोहल यहाँ पर जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम बोलेंगे मोनोहाइड्रिक। ठीक है, मोनो मीन्स एक और हाइड्रिक एल्कोहल है, ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अगर दूसरा एग्जाम्पल ले लूँ मैं इस तरह से, ठीक है, तो इसमें कितने एल्कोहल हो गए, दो हो गए, तो इसको बोलेंगे डायहाइड्रिक। ओके, और वैसे इसका नाम क्या हो जाता है आईपैक ने, इथाइलीन ग्लाइकोल। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है उसकी प्रेजेंस के हिसाब से। तीसरा अगर मैं देखूं एग्जांपल, तो मैं इसका ट्राईहाइड्रिक बना सकती हूँ, पॉलीहाइड्रिक बना सकते हैं ना, इसका फल CH2OH, CHOH, and here is another CH2OH. तो कितने ग्रुप अटैच हो गए, 1, 2 and 3, पहला था ये, दूसरा था ये और तीसरा है ये, तो इसको बोलेंगे हम ट्राईहाइड्रिक। क्यों बोला ट्राईहाइड्रिक, क्योंकि यहाँ पर तीन OH ग्रुप एक के साथ हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन के साथ में अटैच है एक साथ में, इसका नाम है ब्लिस्टो। ठीक है, तो हमारा हमने दो क्लासिफिकेशन अभी तक देखा कि पहला था स्ट्रक्चर के हिसाब से, ये दो तरह का था, एलिफेटिक एल्कोहल और एरोमेटिक एल्कोहल। एलिफेटिक के अंदर ये चेन के अंदर, एलिफेटिक चेन के अंदर अटैच होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और एरोमेटिक के अंदर रिंग के ऊपर एक बेंजाइन रिंग के साथ में एक कार्बन होगा उसके ऊपर ये अटैच होगा। और अगर बात करें तो नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने अटैच है उस हिसाब से हम इसको तीन तरह से क्लासीफाई कर चुके हैं। पहला है आपका मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक का मतलब जिसमें केवल एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ठीक है, पॉली डाईहाइड्रिक जिसके अंदर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हैं हाइड्रोकार्बन के साथ, और तीसरे के अंदर तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हैं, तो उसे हम बोलेंगे ट्राईहाइड्रिक। ठीक है, ये इथाइलीन ग्लाइकोल है, ये ग्लिसरॉल है, इसका पॉलीहाइड्रिक भी बन सकता है। ठीक है, उसके अंदर आप नंबर चेंज कर दो, कहाँ लिखना है, यहाँ लिख देते हैं CH2OH, CHOH एंड CH2OH। ये हो गया एग्जांपल पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल का। ठीक है, यानी कि इसमें बहुत सारे आप नंबर ऑफ एल्कोहल को एक एट ए टाइम इसमें अटैच करके इसको बना सकते हो, तो ये है पॉलीहाइड्रिक एग्जांपल है, और इसका नाम होता है एल्डिटोल। वैसे इसका नाम क्या है, एल्डिटोल, जैसे इसका था ना ग्लाइकोल ग्लिसरॉल उसका एल्डिटोल। तो मुझे लगता है यहाँ तक तो समझ पड़ा होगा कि हम किस हिसाब से क्लासीफाई कर रहे हैं। ठीक है, जिस एरोमेटिक होता है, हाई एरोमेटिक भी हमने यहाँ पे पहले ही लिख दिया, तो इस एलिफेटिक तो होने का सवाल ही नहीं है, तो ये सब पहला क्लासिफिकेशन आएगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ओएच ग्रुप के अकॉर्डिंग इसका क्लासिफाई करेंगे इसको। जैसे ये एक है, इसके ऊपर ओएच है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फिनॉल। एक ही ओएच है इसके अंदर, तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं, मोनोहाइड्रिक। ठीक है, अगर ये मोनो का एग्जांपल होगा क्योंकि एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप इधर प्रेजेंट है ना। दूसरा एग्जांपल देखेंगे हम, ये ओएच है और यहाँ पर एक ओएच जुड़ा हुआ है, दो ओएच जुड़ गए, तो दो ओएच जुड़ते ही हमको समझ में आ जाता है कि किसकी बात हो रही है यहाँ पर, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, डाई की। तो ये डाईहाइड्रिक हो गया, फिनॉल डाईहाइड्रिक। और इसका नाम क्या हो जाता है, इसका साइंटिफिक नेम हो जाता है। एक और ग्रुप यहाँ पर अटैच कर देती हूँ मैं, ये तो OH था, इधर भी OH, इधर भी OH, तो ये भी टू कन्वर्ट इनटू ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। हम पॉली भी बना सकते हैं साइबर इसी तरह से, बिल्कुल ही एग्जैक्टली सिमिलर वे से। आप जितने भी यहाँ पर कॉर्नर हैं सबके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच कर दो, तो इट विल कन्वर्ट इन पॉलीहाइड्रिक। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई कि मोनो यहाँ पर कब बनता है, जब वो किस कंडीशन पे आके जुड़ता है, कितने नंबर ऑफ ग्रुप लेके आ रहा है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि ये किस तरह से अटैच हो रहा है, तो मोनो डाई और ट्राई के अंदर हम इसको क्लासीफाई कर रहे हैं। ठीक, तो हमने दो क्लासीफिकेशन स्टडी कर लिया, पहला था स्ट्रक्चर के हिसाब से, दूसरा था
हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्रेजेंस के हिसाब से। तीसरा जो क्लासिफिकेशन आ रहा है ये हम लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन तो बहुत कुछ हम इसके बारे में जान चुके हैं। हम तीन तरह का हाइब्रिडाइजेशन जानते हैं, एक होता है sp3, एक होता है sp2 और एक होता है sp, ये सिंगल बॉन्ड की वजह से, डबल बॉन्ड की वजह से और ये ट्रिपल बॉन्ड की वजह से, ठीक है। तो इसी हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से हम अल्कोहल को जो होता है फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इसको हम क्लासीफाई किस तरह से कर सकते हैं, इसको हम दो कैटेगरी के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला है आपका sp3oh हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, और दूसरा है इसका sp2oh हाइब्रिडाइजेशन। ये दो हैं इसके में, इसके में इसके हिसाब से हम इनको क्लासिफाई करेंगे। अब हमें पता है sp3 हाइब्रिडाइज का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर केवल सिंगल बॉन्ड हो, है ना। जैसे एक एग्जांपल लूं मैं, इधर क्या है कंडेंस फॉर्म में, तो ये है CH3OH मिथेनॉल है, लेकिन अगर हम देखें तो इसके सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्डेड है, यानी कि इसके अंदर नॉर्मली sp3 हाइब्रिडाइजेशन चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह का जो होगा वो इस वाली कैटेगरी के अंदर आएगा, इसको बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करते हैं, और इसको फर्दर हम क्लासीफाई कर सकते हैं तीन कैटेगरी के अंदर। पहली वाली जो कैटेगरी आएगी उसको हम बोलते हैं, या नाम लिख लो, डिफाइन ना कर दूँ, पहली जो कैटेगरी आएगी इसको स्मॉल से दिखाते हैं, जनरल एलिफैटिक, जनरल एलिफैटिक अल्कोहल, वी आर टॉकिंग अबाउट sp3 नॉट sp2, है ना, पहले हम इसकी बात करेंगे। दूसरी आएगा इसके अंदर, ये तो हो गया ये, इसको हम बोलेंगे एलाइलिक, एलाइलिक हम क्या पढ़ जा रहे हैं। तीसरा है बेंजाइलिक अल्कोहल, ठीक है। ये था कि हमें हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से इसको देखना है, तो जो सिंगल बॉन्डेड होंगे वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन को शो करते हैं, हमें अच्छे से पता है, उस हिसाब से हम इसको तीन कैटेगरी में हमने डिफरेंशिएट किया है। अब हम एक एक करके इनको स्टडी करते चले जाते हैं। अगर मैं जैसे ये है, जैसे कि एग्जांपल है, इसको बोला मैंने प्राइमरी अल्कोहल। अब इसको मैं प्राइमरी अल्कोहल क्यों बोल रही हूँ, ठीक है, अब हमें फोकस इस चीज पर करना है। अगर हम देखें तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ लगा हुआ है, सब सिंगल बॉन्डेड है, यानी सबके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन चला जा रहा है, ठीक है। दूसरी बात हमें क्या देखनी है कि जो भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है उसके साथ जो कार्बन अटैच है वो अपने आगे एक सिंगल कार्बन से अटैच है, ऊपर तो हाइड्रोजन है, इनकी वैलेंसी कंप्लीट कर दी ना, यहाँ केवल एक सिंगल कार्बन और है इस कार्बन के अलावा, तो यानी कि ये कार्बन अपने अलावा एक और कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। अब एक और देखते हैं, अगर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हो तो हम इसको बोलेंगे सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल डेफिनेशन सेम है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप देख लिया, ये कार्बन सपोज ये हीरो कार्बन है, जैसे सेंटर है ना, सेंटर में हीरो कार्बन है, ये अपने अलावा दो कार्बन से और जुड़ा है, एक कार्बन तो ये रहा और एक कार्बन ये रहा। जब इस तरह की कंडीशन होती है तो हम इसको बोलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। एक और लास्ट कंडीशन, ठीक है, इसकी बात अगर करें, इसकी बात क्या देखते हैं, हम इसमें देख रहे हैं कि इसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो हमारा मेन तो फोकस उस पर है, तो उसके बाद हमें देखना है कि कार्बन जो है मेन कार्बन है वो कितने कार्बन के साथ में कनेक्टेड है, ये 1, ये 2 और ये 3, 3 कार्बन के साथ में ये अटैच है, इसलिए इसको बोलेंगे टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हो गई, यानी कि हमने पहले डिफाइन किया था sp3 हाइब्रिडाइजेशन को, OH जुड़ा हुआ है, जनरल एलिफैटिक अल्कोहल की बात कर ली हमने इस तरह से। अब हम जाते हैं हमारी दूसरी कैटेगरी,
दूसरी कैटेगरी हमारी क्या है, एलाइलिक एल्कोहल। अब ये मैं आप लोगों से पूछूंगी कि एलाइलिक एल्कोहल के अंदर हम पहले पढ़ के आ चुके थे, हेलो एल्केन से हमने पढ़ा था ना, तो हमने ये पढ़ा था एलाइलिक एल्कोहल। एलाइलिक का मतलब क्या होता है पहले हमको तो ये समझना है। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ, अब हमारा काम क्या है, हमको पहचानना है कि एलाइलिक किसे कहा। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया, वेरी गुड। फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन हमको पहले से पता है, हम लोग एलाइलिक ग्रुप पढ़ के आ चुके हैं एलाइलिक में। उसके बाद वाला कार्बन बीटा कार्बन, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सारे जो है आपस में sp3 बॉन्ड से जुड़ा है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है ना। अगर मैं इसको खोल दूँ तो ये कुछ इस तरह से नहीं खुलेगा, यहाँ पर कार्बन है उसके अपने सारे सिंगल बॉन्ड है कि नहीं है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन को शो कर रहा है। लेकिन इसके पास वाला जो बीटा कार्बन है उसके अंदर हमको कौन सा बॉन्ड दिख रहा है, sp2। लेकिन हमारा मेन फोकस इसी के ऊपर है, क्योंकि हम एलाइलिक एल्कोहल में उन्हीं को कंसिडर करते हैं जो हाइड्रोक्सिल जो भी जो फंक्शनल ग्रुप के साथ में अटैच पहले होता है, ठीक है। तो इस तरह के ग्रुप अगर हमें दिखाई दें तो हम बोल सकते हैं कि ये एलाइलिक एल्कोहल का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, ठीक है। इसी की जगह हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, किस तरह से, इसको भी हम प्राइमरी एलाइलिक एल्कोहल, सेकेंडरी एलाइलिक एल्कोहल और टर्शियरी एलाइलिक एल्कोहल, जैसे हमने लिस्ट बनाया था ना एलिफैटिक एल्कोहल, उसमें इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे अगर हम इसकी बात करें, इस पर्टिकुलर की तो बात करें, तो हमें दिख रहा है जीरो कार्बन के बाद डबल बॉन्ड यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, आगे वाला जो sp3 को शो कर रहा है। इस तरह के एलाइल को हम कह सकते हैं प्राइमरी एलाइल एल्कोहल, ठीक है। अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरे की बात के अंदर हमको क्या दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर यहाँ तक तो सिचुएशन सिमिलर है, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड आ रहा है अकॉर्डिंग टू टर्म्स, लेकिन ये भी चारों को पूरा करा, यानी ये भी sp3 ये भी पूरा करा, लेकिन हमने पर क्या करा, इस हाइड्रोजन को हटा दिया, इसके ऊपर एक और मिथाइल ग्रुप यहाँ पे अटैच कर दिया। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं सेकेंडरी अलाइल एल्कोहल, ठीक है। अब इसकी बात करें तो यहाँ तक तो एक्जेक्टली sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया विद अनादर मिथाइल, तो यहाँ पर कितने ग्रुप हो गए, एल्काइल ग्रुप दो हो गए। तो इसको बोलेंगे अपन टर्शरी एलाइल एल्कोहल, जस्ट सिमिलर वैसा ही है जैसा कि हम एलिफेटिक एल्कोहल को रखा कहते हैं प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्शरी एल्कोहल, वैसे कि वैसे हम इसको भी आगे हमने डिवाइड कर दिया है प्राइमरी एलाइल एल्कोहल, सेकेंडरी एलाइल एल्कोहल एंड टर्शरी एलाइल एल्कोहल। तो एलाइलिक ग्रुप को पहचानना आना चाहिए, ये हम पहले क्योंकि डिस्कस कर चुके हैं हेलो एल्केन, ठीक है। इसका नाम है बेंजाइलिक बेंजाइलिक आप पहले तो हमें बेंजाइलिक ग्रुप क्या होता है ये पता होना चाहिए। जैसे ये एक ग्रुप बना है ड्रॉ किया थर्ड, इसको ठीक है, और यहाँ पर आ गया आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप। चलो इस ग्रुप की अगर बात करें, हमें पता है ये जो ग्रुप है जिसको आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, बैठा दिया टर्मिनल पोजिशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इस तरह का जब एल्कोहल हो जिसमें कि आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप बेंजाइलिक रिंग के ऊपर जुड़ा होता है, लेकिन यहाँ शर्त क्या है कि ये सारे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और यहाँ पर क्या है, ये डबल बॉन्ड है, सारे कार्बन जो होते हैं डबल बॉन्ड से जुड़े हैं। कोई भी कार्बन आप उठा लो, ये कार्बन डबल बॉन्डेड है, ये डबल बॉन्डेड है, ये डबल बॉन्डेड, सारे डबल बॉन्ड के साथ हैं, यानी कि ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन को शो कर रहे हैं। लेकिन हमारा मेन फोकस इस पे है, टर्मिनल वाले OH के साथ में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो किया रहा है, sp3 किया रहा है। इस तरह के एल्कोहल को हम बोलते हैं बेंजाइलिक एल्कोहल, यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, इन दिस एल्कोहल द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड एरोमेटिक रिंग, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन आराम से बन सकती है, इसमें वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन वो रिंग किस तरह की है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, पता है बेंजाइलिक तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, तो उसके साथ में कोई हाइड्रोकार्बन अटैच होगा और उसके साथ में ये अटैच होगा हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये हो गया 1, 2, 3, तीनों हमने डिस्कस कर लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। अब हम आगे फर्दर चलेंगे, बात करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो
कब होता है, जब हमें अच्छे से पता है जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो वहाँ पर हमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे OH की बात हो रही है, यानी कि जहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा उसके साथ में OH भी अटैच होगा, तो इस हिसाब से हम इसको दो कैटेगरी में sp2 यानी कि में sp2 OH हाइब्रिडाइजेशन को हम दो कैटेगरी में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कौन सी दो कैटेगरी? एक होगा आपका विनाइलिक एल्कोहल, ठीक है, और दूसरा होगा हमारा फिनोल। अब वापस वो चीज आ गई, विनाइलिक एल्कोहल हम पहले हेलो एल्केन में डिस्कस करके आ चुके हैं। इसमें क्या होता है आपको अच्छे से पता है कि डायरेक्टली जो होता है व्हेन OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन एटम, तो उसको हम बोलेंगे विनाइलिक एल्कोहल। जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको बता दूं, मैंने क्या बोला डेफिनेशन, ये CH2 डबल बॉन्ड CH एंड हियर इज योर हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हमने क्या डेफिनेशन बोला, व्हेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू दैट हाइड्रोकार्बन विच इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यही है ना। तो यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन दिख रहा है, यहाँ पर sp3, ये दूसरा सिंगल बॉन्ड है। इस पर्टिकुलर ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, विनाइल ग्रुप। ये हेलो एल्केन में बहुत डिस्कस करके आए, बहुत डिटेल के डिस्कस करके आए। तो विनाइलिक एल्कोहल की डेफिनेशन क्या हो जाती है, व्हेन OH इज अटैच्ड डायरेक्टली टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ एलिफेटिक चेन, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं विनाइलिक एल्कोहल। इस तरह का एग्जांपल है, ध्यान में रखना, ये इस तरह से होता है, ये सीधे एरोमेटिक रिंग के ऊपर अटैच हो गया, ये हमारा फिनोल है, बहुत इजीली है। इसमें क्या था, अटैचमेंट तो हो रहा था लेकिन sp2 हाइब्रिडाइज हाइड्रोकार्बन के साथ होता और एलिफेटिक चेन के ऊपर होता, इसमें एरोमेटिक रिंग के ऊपर डायरेक्टली आपका OH ग्रुप अटैच हो जा रहा है। तो इस तरह के जो हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं उनको बोलते हैं फिनोल, ठीक है। ये सब बेंजीन रिंग के ऊपर ही अटैचमेंट आपको देखने के लिए मिलता है। इसमें वापस से आप ना और ट्राईहाइड्रिक और मोनोहाइड्रिक, तो इस तरह से ये तीसरा क्लासिफिकेशन इसका एल्कोहल का यहाँ पर कंप्लीट होता है। कौन से दो बेसिस, पहला ये था स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, दूसरा था नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के अकॉर्डिंग, और तीसरा था ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, विच इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो इसमें जनरल एलिफेटिक एल्कोहल पढ़ा था हमने, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी। अगर एल्कोहल के साथ में जो कार्बन है उसके साथ एक ही कार्बन अटैच हो तो प्राइमरी, दो हो तो सेकेंडरी, और तीन हो तो टर्शरी। एलाइलिक की हम पढ़ के आ चुके हैं, एलाइलिक क्या होता है कि जिसमें कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ वाला जो बाजू वाला होता है उसके अंदर क्या होता है, वो डबल बॉन्डेड होता है। तीसरी अगर हम बात करें बेंजाइलिक की, तो बेंजाइलिक के हम अंदर पढ़ के आ चुके हैं कि जो भी जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा वो हमेशा उसकी एरोमेटिक रिंग के ऊपर अटैच होगा, क्योंकि नाम ही शो कर रहा है बेंजाइलिक यानी रिंग होगी उधर। तीसरी आता है हमारा सेकेंड टाइप ऑफ, फर्स्ट तो ये था और सेकेंड था sp2। तो हमने सेकेंड में बात करी sp2 हाइब्रिडाइजेशन की, इसको हमने दो में क्लासीफाई किया, विनाइलिक एंड फिनोल। फिनोल में तो डायरेक्ट रिंग के ऊपर अटैच है, यहाँ पर डायरेक्ट नहीं अटैच है, यहाँ पर डबल बॉन्ड जो होगा sp2 डायरेक्ट एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर उसके साथ में अटैच है, रिंग की बात यहाँ पर नहीं की गई है। तो यहाँ पर हमारा ये क्लासिफिकेशन कम्प्लीट हो जाता है। एक चीज़ है, एल्कोहल को तो हमने डिस्कस कर लिया और उसके तीन क्राइटेरिया थे क्लासीफाई करने के, लेकिन फिनोल जो होता है ना उसका एक ही क्राइटेरिया था, वो क्या था, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, उससे हमने उसको डिफ्रेंशिएट किया था मोनो पॉली और ट्राई ट्राई के साथ। अब बात आती है ईथर की, ईथर का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से करते हैं ना, आर ओ आर, ठीक है। तो अपन इस क्लासिफिकेशन की बात करें, किसका क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, ईथर क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर को क्या कर सकते हैं, दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो होता है आपका सिमेट्रिकल ईथर, या इसको सिंपल ईथर भी कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा है अनसिमेट्रिक, अब जैसे
जैसे नाम ही बता रहा है सिमेट्री सिमेट्री सिमेट्री, अभी तो ना सारा से फैमिली हो चुके हैं, सिमेट्री का मतलब इसको बीच में से बांटे हैं वो इक्वली हाफ के अंदर डिवाइड हो जाए। तो जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ CH3 O CH3, ठीक है, अगर मैं इसको बीच में से डिवाइड करूँ तो ये इक्वली हाफ में डिवाइड हो रहा है ना, इधर भी सेम ग्रुप है, इधर भी सेम ग्रुप है, इधर भी एल्काइल ग्रुप सेम है, इधर भी एल्काइल ग्रुप सेम है, बीच में इसको इधर जोड़ रहा है, तो इसको हम हो सकता है कि ये सिमेट्रिकल इधर है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, अगर इस तरह से कुछ हो तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो भी इक्वल इधर भी सेम आ जाते हैं, इधर भी ग्रुप सेम हो जाते हैं ये, ठीक है। तो याद रखना ये डाई डाइल इथर है, ये तो इसको मिथॉक्सीथेन भी कहते हैं और इसको इथॉक्सीथेन कहते हैं, ये हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है, जब हमने मैन्युफैक्चरिंग पढ़ी थी हेलो एल्केन के अंदर। तो ये सिमेट्रिक है, हम इसको बांटेंगे ना तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब अनसिमेट्रिक में क्या होता है, अगर हम इसको बांटेंगे ना तो वो इक्वली सिमेट्रिक डिवाइड नहीं होगा, जैसे इधर तो ले लिया CH3 और इधर ले लिया मैंने CH2 CH3, तो क्या ये सिमेट्रिक है, ये ग्रुप इस ग्रुप के सिमिलर तो है ही नहीं, तो ये अनसिमेट्रिक हो गया, या कुछ इस तरह से हो जाए CH5 O CH3, तो भी ये सिमेट्रिक नहीं है, अनसिमेट्रिक है, तो क्योंकि मिक्सिंग हो गई, तो यहाँ पर मिथाइल है यहाँ पर इथाइल है, सिमेट्री है ही नहीं, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर कुछ मिथाइल आ रहा है और यहाँ पर दूसरा ग्रुप आ रहा है, तो इस वजह से इस तरह के जो इथर होंगे उसको हम बोलेंगे मिक्स्ड इथर। तो पहला क्लासिफिकेशन था इसका कि किस तरह के सिमेट्रिक मॉलिक्यूल हैं इथर के और के नहीं हैं मॉलिक्यूल सिमेट्रिक, उस हिसाब से हमने इसको दो में क्लासीफाई कर दिया, ठीक है। अब एक और क्लासिफिकेशन इसका आता है, दूसरे तरह का क्लासिफिकेशन है, ये तो ए था सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के हिसाब से, दूसरा है, ये दो तरह का है, पहला है एलिफैटिक ईथर, ठीक है, और दूसरा है एरोमैटिक ईथर। अब नाम पे ध्यान देंगे, एलिफैटिक यानी कि इस तरह का जो ईथर होगा उसमें ग्रुप के इधर लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड दोनों ही जो होंगे वो हमारे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होंगे, जैसे ये एग्जाम्पल वापस वही अलग एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ठीक है। तो ये ग्रुप है, इसके इस तरफ भी एल्काइल ग्रुप, इधर भी एल्काइल ग्रुप, वो एलिफैटिक है, इथाइल है, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, ठीक है, तो इथाइल इथाइल है। तो इस तरह से ये हम क्या इस वाले को क्या बोल सकते हैं, जिसके कि ग्रुप के दोनों और कौन सा ग्रुप प्रेजेंट हो, अगर इसकी बात करें तो दोनों तरफ क्या प्रेजेंट है, एल्काइल ग्रुप, तो ये होता है एलिफैटिक इथर। अब बात हम उसकी करें तो उसमें पता शर्त क्या है, उसमें दोनों एलिफैटिक भी हो सकते हैं, दोनों ग्रुप जैसे ये कोई C6H5O C6H5, आप कहोगे ये तो दोनों एरोमेटिक है, हाँ भाई, तो इसमें पता शर्त क्या है, इसमें दोनों एक एल्काइल भी हो सकता है और दोनों ही एरोमेटिक भी हो सकते हैं, ये शर्त है, एक एल्काइल प्लस एरोमेटिक और दूसरा दोनों एरोमेटिक हो जाए, ये तो दोनों एरोमेटिक हो गए। अगर कुछ इस तरह से होता है, ये तो एल्काइल है, एरोमेटिक है, तो इस तरह के जो इथर्स होते हैं इसको हम बोलते हैं एरोमेटिक। इधर आके आपका क्लासिफिकेशन ऑफ किसका एल्कोहल फिनोल इथर हमने कंप्लीट कर लिया। स्टूडेंट्स यहाँ पर आके हमने क्लासिफिकेशन को कंप्लीट कर लिया, आई होप आपको समझ आया होगा। तो मैं आपके एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप इसको लगातार जो भी ये मैं वीडियोज बना रही हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपके ही बेनिफिशियल होगा ये चीज, जो बन रहा है वीडियो वो आप स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक देखिए, ताकि आपको पूरा टॉपिक क्लियरली समझ में आ जाए। बीच में से आप देखोगे ना तो एक सीक्वेंस नहीं बनेगा, सीक्वेंस नहीं बनेगा तो क्या कुछ स्किप हो जाएगी, तो वो वापस आप सोचोगे ये कहाँ से चीज़ आ गई। तो कंटिन्यूटी में आप इसको लगातार वॉच कीजिए और हो सके तो इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि एक छोटा सा बटन ही आपको सिर्फ दबाना है, ठीक है, तो प्लीज़ थिंक अबाउट दैट। थैंक यू सो मच।